गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यह है करवा चौथ का व्लॉग। और ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। आई नो कि आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दिवाली आ रही है, सफाई वगैरह का, क्लीनिंग का काम साथ साथ चलता ही रहता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। और देखिए, फिर मैंने रेडी होके सारी पूजा की प्रिपरेशन कर ली थी। और हमारे घर में मैं और मम्मी जी हैं, तो इसलिए हम दोनों ही साथ बैठ के पूजा करते हैं। और देखिए, अनवी ना बीच बीच में पता नहीं कुछ बोले जा रही थी, तो मैं उसको कुछ बोल रही हूँ। तो उसके बाद हम दोनों ने बैठ के पूजा करी, कहानी सुनी, और उसके बाद जो भी होते हैं रस्में वो करी। मम्मी जी को जो सामान देना था तो वो मैंने दे दिया था। कहानी सुनते सुनते लगभग 2 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने मम्मी जी का बहुत सारा आशीर्वाद लिया और हम दोनों ऊपर चले गए थे सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। और देखिए, अनवी ना जब इससे वीडियो बनाने की कहो ना, तो ये बड़े ड्रामे करती है। तो बार बार बोल रही थी, मम्मा मेरे पैर जल रहे हैं, मम्मा मेरे पैर जल रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। तो इसने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई थी क्योंकि आज का शूटर यही थी, क्योंकि इसकी छुट्टी थी ना इसीलिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ्य दे दिया है, पूजा अच्छे से पूरी कर ली है। तो और फिर जल चढ़ाने के बाद हम सब नीचे आ गए थे। और नीचे आने के बाद हमने अपना थोड़ा बहुत मेरा जो काम पेंडिंग था वो काम कंप्लीट किया। मम्मी जी को दूध वगैरह गर्म करके दे दिया था क्योंकि मेरे को तो पीना नहीं था, तो मैंने उनको ही दे दिया था। और उनके वैसे भी थोड़ा सा ना सर में दर्द हो गया था, और मेरे को भी जब भी कोई फास्ट होता है ना, तो ऐसा डर लगता है कि कभी सर में दर्द ना हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना एसिडिटी की हो ही जाती है। पर थैंक गॉड कि मेरे को कुछ होता नहीं है आजकल, मतलब पहले बहुत ज़्यादा होता था जब मैं। और उसके बाद मैं ऊपर तुलसी में जल चढ़ाने के लिए चली गई थी क्योंकि मैं जल चढ़ाना भूल गई थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। शाम के टाइम ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं है, नॉर्मली चंद्रमा को अर्घ्य दे के और व्रत खोल लिया जाता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।